फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग कोई अच्छे होंगे। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी, पनीर टिक्का ग्रेवी रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए कढ़ाई या पैन ले लीजिए, उसमें डालिए 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छा से हीट हो जाना चाहिए। फिर इसे हम डालेंगे चॉप किया हुआ ओनियन। ये मैंने एक बड़ा सा ओनियन लिया है, इसको फाइनली चॉप कर लिया है। और इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारे हल्का सुनहरा कलर ना हो जाता है, तब तक इसे हमें भूनना है। देखिए हमारे प्याज का कलर अब चेंज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटो। मैंने ये टमाटो 2 काटा हुआ है मीडियम साइज़ का, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और टमाटर प्याज को गलाने के लिए हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे ताकि अच्छे से गल जाए और अच्छे से भून जाए हमारे। और इसे भी अच्छे से हम चला लेते हैं। अब देखिए हमारा अच्छे से भून चुका है, इसका पानी भी रिड्यूस हो चुका है। इसे हम एक मिक्सर जार में डाल लेते हैं और एक स्मूथ प्यूरी बना लेते हैं। अब देखिए हमने मिक्सर जार में सारा ले लिया है। अब इसमें हम थोड़े से ही पानी डालेंगे, 2 टेबलस्पून ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि हम ग्रेवी अच्छे से पीस जाए। और ये हमारे पीस कर रेडी भी हो गया। अब हम कढ़ाई लेते हैं, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ही डालेंगे। फिर आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें डालेंगे जीरा 1/2 टेबल स्पून और तेज़पत्ता 1 डाल लेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी इलायची। और इसे अच्छे से हम क्रश कर लेंगे सारे जितने हम खड़े मसाले और जीरा डाले हुए हैं। और हमारी अच्छे से देखिए क्रश हो चुका। अब हम पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। ध्यान से मसाला डाल लेंगे ताकि आपको छींटे ना पड़े। और ये कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल देंगे कलर के लिए, ताकि इसके अच्छे कलर आए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून और फिर इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसे हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, हाथों से क्रश कर हम इसे डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा मसाला भी अब ठीक होने लग गया है धीरे धीरे। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबलस्पून और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे ये ग्रेवी में भी हम थोड़े डाले हुए थे जब हमें प्याज और टमाटर गलाना था, और हमारे टिक्के में भी थोड़े से नमक होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे हरे धनिया कटे हुए, हरे मिर्च कटे हुए। और अब हम इसे भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला भी पूरा अच्छे से भून चुका और इसके ऑयल भी रिड्यूस हो चुके हैं। ये है कॉर्नफ्लोर, इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, देखिए हमने अच्छे से घोल लिया है। पहले इसमें हम डालेंगे जो हमने टिक्का बनाया था उसका जो ग्रेवी बच गया था ना, वही इसमें पहले हम डाल लेंगे जितने हमारे वो ग्रेवी बच गए थे। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर देखिए ये हमारा रहा कॉर्नफ्लोर पाउडर के जो घोल तैयार किए थे उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें काजू डालने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉर्नफ्लोर से ही अच्छे ग्रेवी आ जाएंगे। काजू वाले थोड़ी उसके टेस्ट अलग आते हैं और कॉर्नफ्लोर वाले के थोड़े टेस्ट अलग आते हैं। और ये पनीर टिक्का, तो पनीर टिक्का को मैंने ग्रिल कर लिया था। इसका रेसिपी मेरे चैनल में मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और इसको चाकू की सहायता से मैंने निकाल लिया था। और ग्रेवी भी देखिए हम अच्छे से थिक हो चुका है। और ये पनीर टिक्का देखिए कितने देखने भी अच्छा लगा। अब ये टिक्का इसमें हम सारा डाल देंगे जो हमने बनाया हुआ था। इसे हल्के हाथ से ही मिक्स करना मसाला के साथ, ताकि हमारे ये इसके जो कोटिंग किए गए हो पनीर में उसको अच्छे से वैसे ही रहे। बस हमें हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, थोड़े से ही पानी डालकर। ज़्यादा पानी भी, अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो पहले आप पानी डालकर हल्का सा बॉयल कर लीजिएगा सारी ग्रेवी को, फिर डालिएगा। और देखिए हमारा ये अच्छे से मिक्स भी हो चुका है और अच्छे से बॉयल भी हो चुका है। अब हम डालेंगे शुगर थोड़ा इसका टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। और फिर देखिए अब हमारा हो चुका है ये पनीर टिक्का ग्रेवी बनकर रेडी। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए इसका लुक बहुत अच्छा आया है हमारी पनीर टिक्का ग्रेवी का, और खाने में भी सेम वैसे ही टेस्ट था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉच माई दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।